कि बीजेपी हुकूमत और मोदी साहब और उस अपना जो शाह रशीद साहब हैं उनकी मेहनत पर उनको अवार्ड मिलने पर एक मरतबा क्लैपिंग कर दें। तो बच्चे भी मेरे साथ मौजूद हैं, जारी बात है मैं नया से नया चेहरे भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो का टाइटल है पीएम प्रूव्ड मी रॉन्ग शाह रशीद अहमद कादरी आई थिंक, वो उन्होंने कैसे पीएम मोदी साहब ने उनको गलत साबित किया है ये तो उन्हीं की जुबानी पता चलेगा। एंड आई न्यूज़ वालों की वीडियो है, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, हमारे एरिया में सारी बात है, सीज़न है रमज़ान का तो मस्जिद भी करीब है, थोड़ी सी आवाज़ आएगी, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। चलते हैं पहले वीडियो में, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। खामोश लग गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कहीं या हमको नहीं दे, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने। ये अवार्ड के लिए मैं 10 साल से कोशिश किया, हर साल मेरे को 12,000 का खर्चा आता था, प्रोफाइल जो है मेरा इतना मोटा प्रोफाइल है, कलर फोटोज है उसके अंदर, 50 कलर फोटोज है, उसके लिए बहुत खर्चा आता था, 5 साल तक किया, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो मैं ये सोच के छोड़ दिया कि ये बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को कुछ नहीं देती। 25 जनवरी 2023 को होम मिनिस्ट्री से जॉइंट सेक्रेटरी फ़ोन करके बताया कि आपको पद्मश्री अवार्ड मिला, जज्बात में इमोशनल होकर मैं सारा दिन रोते रहा क्योंकि ये अचानक मालूम हुआ। विंटर में 8 दिन एक ईद के जैसा माहौल था, मेरे पीरियड में 5 साल तक अपने खिला नहीं हुआ, उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कहिए या हमको नहीं देती, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 25 जनवरी 2023 को होम मिनिस्ट्री से जॉइंट सेक्रेटरी फ़ोन करके बताया कि आपको पद्मश्री अवार्ड मिला, जज्बात में इमोशनल होकर मैं सारा दिन रोते रहा क्योंकि ये अचानक मालूम हुआ, मेरे को मालूम नहीं था। 26 जनवरी को स्टेडियम में जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मेरा सम्मान किया गया, उसके बाद बीदर के सारे लोग मेरे घर पे थे जो मेरा सम्मान करने के लिए आए थे, और बीदर में 8 दिन एक ईद के जैसा माहौल था। ये अवार्ड के लिए मैं 10 साल से कोशिश किया, हर साल मेरे को 12,000 का खर्चा आता था, प्रोफाइल जो है मेरा इतना मोटा प्रोफाइल है, कलर फोटोज है उसके अंदर, 50 कलर फोटोज है, उसके लिए बहुत खर्चा आता था, 5 साल तक किया, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो मैं ये सोच के छोड़ दिया कि ये बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को कुछ नहीं देती, मगर मोदी जी मेरे ख्याल को गलत साबित करते हुए मुझे चुना और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, अमित जी का, मोदी जी का, और ये अवार्ड में जिन जिन का भी रोल है उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। शॉर्ट सी वीडियो थी, पैगाम बहुत बड़ा था। सबसे पहले मैं बच्चों को, सबको जो मेरे साथ दोस्त बैठे हैं उनको ये ज़रूर कहूँगा कि बीजेपी हुकूमत और मोदी साहब और उस अपना जो शाह रशीद साहब हैं उनकी मेहनत पर उनको अवार्ड मिलने पर एक मरतबा क्लैपिंग कर दें। यार ये वो अब ये कितनी मिसालें दे रहा है मुसलमानों की, अब देखें वो एक मुसलमान है, बुजुर्ग है, वो कह रहा है कि मैं 10 साल इस अवार्ड के लिए मतलब के कोशिश कर रहा था, मेरी इतनी बड़ी मोटी मतलब फाइल है, और मेरे जहन में यही था जिस तरह का हमारे जहनों में डाला गया कि जो बीजेपी हुकूमत है वो मुसलमानों के खैर खा नहीं है, मोदी साहब आए हैं आर एस एस से,
और ये मतलब है ना वो मुसलमानों के खिलाफ है। हालांकि आरएसएस का अगर इतिहास पढ़े उसके जो वर्कर्स हैं उनकी तादाद गिने तो उसमें मुसलमानों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। ये एक समझ है इंटरनेशनल या नेशनल की एक तंजीम है जो एक भलाई काम करती है। मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा, मैं उस मुसलमान की जुबानी जो बातें निकली हैं जिसने ये खुद एक्सेप्ट किया है कि मेरे जहन में ये कंसेप्ट था कि जो मोदी गवर्नमेंट जो बीजेपी की गवर्नमेंट कम अज कम मुसलमानों को तो ये अवार्ड नहीं देने वाले, लेकिन मोदी साहब ने गलत साबित कर दिया। इससे साबित होता है कि मोदी साहब की गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं को अवार्ड देगी या उन्हीं लोगों को सामने लेकर आएगी जो काबिल होंगे। भाई जो ये आरएसएस तंजीम है ना, मैंने इसके बारे में पहले भी सुना हुआ है। मैंने ये सुना था कि ये मोदी साहब को ऊपर लाने वाली ये तंजीम है। ये तंजीम जो है ना तमाम जो है ना मतलब के अकलीतें इंडिया में मिलकर बनी है और इसमें मुसलमानों की ताद बहुत ज्यादा है। जी मैंने भी ये पढ़ा सुना, हिंदुओं की तो है लेकिन मुसलमानों की बहुत ज्यादा तादाद है। बिल्कुल, और यह अगर अगर असलम भाई आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, मोदी साहब ने एक मुस्लिम को दी है। मैं तो उस सर की बातें देख के बहुत इमोशनल हो रहा था कि वो जैसे एक मुसलमान की पहले जो उसके बीजेपी के बारे में सोच थी ना वो बिल्कुल उल्ट थी कि भाई मैंने इस वजह से छोड़ दिया कि बीजेपी मुसलमानों के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन जब वो कह रहा था कि वो उसके अहल समझा गया जो उन्होंने उसकी मेहनत थी और उसको मेहनत का फल मिला, जो इमोशनली होके ये बता रहा है कि मुझे मोदी साहब ने बिल्कुल गलत कर दिया। और एंड पे जो मैंने देखा कि मोदी साहब जैसे वो करते हैं हर हिंदू को करते हैं ऐसे हाथ जोड़ के उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया, मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। पूरा सीन ही बदल रहा था। इमरान भाई भाई मैं तो यही कहूंगा हमारे तो बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हमारे मुसलमान जो है वो कितना बदनाम करते हैं वो। हाँ जी, हमारे मीडिया जो है ना वो तो भाई गलत खबरें फैलाता रहता है कि हिंदुस्तान वाले ये करते हैं। सबसे बड़ी मिसाल भाई इमरान, मैं देना ये देना चाहता हूँ कि गुजरात के थे एक जफर भाई, मुझे उनका फैन नाम नहीं पूरा याद आ रहा, जफर उनका नाम था, बिजनेस मैन है वो गुजरात के, तो वो मोदी साहब के बहुत ज्यादा खिलाफ थे गुजरात में। वो किसी और से जब डायरेक्ट उसने मोदी साहब से मिला होगा या उससे उसने सुना ही होगा ना, तो फिर वो इम्पैक्ट उस पर पड़ा होगा। पहले वो सुनी सुनाई बातों में अलीशर बेटा पहले क्या सुन रखा था, वीडियो देखी खुद मुसलमान मान रहा है कि मुझे यकीन नहीं था मुझे अवार्ड मिलेगा, किस पर क्या कहना चाहोगे? जी मैं यही कहना चाहूँ कि जो सर मोदी से हैं वो मोदी जी सर जो से बहुत अच्छे हैं, उनको उनको वोट दिया और मुझे बहुत वोट नहीं दिया तो उसको अवार्ड दिया जी। मतलब मुसलमान और जो है ना हिंदू उसका मजहब और जो खत्म किया और मुसलमान का बराबर ही समझता है यही बात है, सबसे बड़ी बात ही यही है। जी अलीशे बेटा क्या कह रहे थे आप? जी मैं यही कह रहा हूँ जो मोदी से सारे ने वो मुसलमान और इंडिया को बराबर ही समझते हैं, मुसलमानों को और हिंदुओं को, के जो उधर के मुसलमान और हिंदू हैं और सभी को वो बराबर हकूक दे रहे हैं। बात सुने, मैं इसकी मिसाल देना चाहता था तो आपने सुनी नहीं मुकम्मल है। वो जफर भाई जो जफर साहब थे ना वो मैंने सुनी हुई है, मुझे तो बयान करने दे उनकी तारीफ मोदी साहब की भाई करने के काबिल है, क्योंकि वो कह रहे थे जब मैं ना मोदी साहब के बहुत ज्यादा खिलाफ था, लेकिन मैं मुझे जब उन्होंने मुझे दावत दी कि आप मुझसे मिले तो मैं मिलने से पहले बड़ा परेशान था कि मैं उनसे मिलूंगा, बोला कि प्राइम मिनिस्टर है तो मैं मुझे ना बहुत हिचकिचाहट थी। तो वो कहते जब मैं गया तो मुझे मेरे मतलब ख्याल से बदल गया है बिल्कुल। वो उन्होंने कहा इतने अच्छे तरीके से मुझे पेश आए, मतलब वो बाहर खड़े थे, मैंने कभी तो देखे बाहर खड़े थे मुझसे जब भी डाली और कहते यार जब साहब इतने लेट आए किधर आए, मतलब इतने फ्रेंडली मिले थे। मैंने भी वो वीडियो देखी, बच्चों को भी शामिल। जी आप जी मैं पहला भाई पहली बात तो बच्चे पहली मत पाया कि कुछ थोड़ा सा वो हिचकिचा गया कंफ्यूज है ना, तो मैं जी बेटा बोलो इंडिया के और मुसलमान के बहुत अच्छे सलूक में हम तो यही देखते हैं, मतलब वो तो अच्छा सलूक हो रहा है ये कहना चाहते हो? कोई बात नहीं पहली मतबा हो जाता है चार होती। खैर सही बेटा कुछ कहना चाहते हैं कि ठीक है ओके। अच्छा बात हम ये कह रहे थे कि वो खुद प्रूव हो गया है भाई मोदी साहब के जो दुश्मन है ना वो भी मान गए हैं,
दुश्मन उन्होंने को रहने नहीं दिया, क्यों? सारे उनके फ्रेंड बन गए इस तरह रहमतुल्लाह भाई ने कहा। इखलाक सबसे बड़ी चीज़ है और लीडर वही होता है जो इखलाक से दूसरों को अपने जेर करता है। बड़ा मज़ेदार वीडियो थी, हम अप्रिशिएट करते हैं मोदी गवर्नमेंट को, उस अंकल को शाह रशीद को भी जिन्होंने मेहनत किया अपना वो पद्मी आज पद्मा वही होता है जो अकलीतें इतनी हाँ है, उसके मुल्क में रहती हैं और सभी को साथ लेकर चले, वही लीडर होता है। बिल्कुल जी, बट ये नहीं कि अपनी अकेली बरादरी को लेकर चले बल्कि पूरे मुल्क को साथ लेकर चले। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो ये रिएक्शन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉपिक साथ, तब तक दीजिए इजाजत।